रमजान के बाबरकत महीने में गरम मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं। जीरा, हल्दी और काली मिर्च 30 से 100 रुपए किलो तक महंगी हो गईं। आला मायार की दालें भी अवाम की दस्तरस से बाहर हो गईं। हमारे नुमाइंदे राहिल अली अकबरी मंडी में ही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी राहिल अली, रमजान मुबारक में भी महंगाई के वार जारी हैं। शहरियों को जो है वो अशिया खुर्दनोश की खरीदारी में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौजूद हूँ अकबरी मंडी में, जहाँ पर होल सेल का मार्केट है। यहाँ पर भी जो है वो दालों की और दीगर मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। हमारे साथ जो है कुछ ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताएँ कि आप ओपन मार्केट इधर आए हुए हैं थोक की मंडी में, क्या रेट हैं इधर, क्या सूरत हाल? सर जो हुकूमत ने हमें दी हुई है ना लिस्ट, उसके मुताबिक तो हमें सौदा मिल नहीं रहा। सही जो चीज़ मियारी है ना वो बहुत महंगी है, 20 से 30 रुपए किलो का फ़र्क है। और जो मजस्ट रेट हमारे पास आती है ना, वो इस बात को, वो क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं इतना रखते। वो उनको चाहिए कि क्वालिटी को मद्देनज़र रखें, ठीक है ना। उस हिसाब से मार्केट में देखें ना, अब इधर हम जनाब आए हैं दाल चने के तीन तीन रेट हैं, जो है ना 220 रुपये किलो वाली दाल, ठीक है, वो तो खाने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। अगर हम इससे महंगी चीज़ यानी कि लेते हैं क्वालिटी वाली, तो वो मजिस्ट्रेट नहीं मानते। वो कहते हैं जी गंदा सौदा बेच लो, क्वालिटी वाली चीज़ ना बेचो, गंदा बेचो। लोगों को मुश्किलात आपने देखी है, रेट बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मार्केट में जो दाल चना का रेट है वो 240 है। ये थोक का मैं रेट आपको बता रहा हूँ। सफ़ेद चना जो है वो 360 से लेकर 400 रुपये तक है। दाल मसूर 250 से लेकर 300 रुपये किलो तक दस्तियाब है। माछ की धुली हुई दाल 440 है। मूँग की 230 है। काले चने 210 से लेकर 260 रुपये किलो है। दाल मसर 260 रुपये किलो है। काली मिर्च 1400 रुपये किलो, और इसमें तकरीबन 30 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। लाल मिर्च पीसी हुई जो है वो 800 रुपये किलो हो गई है, इसमें भी 50 रुपये फी किलो का इजाफा हुआ है। हल्दी जो है वो 460 रुपये फी किलो है, इसमें 100 रुपये किलो का जो है वो इजाफा हो चुका है। ज़ीरा 1500 रुपये किलो तक उसकी कीमत पहुँची है, जिसमें 150 रुपये किलो का जो है वो इजाफा हो चुका है। ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही, क्वालिटी के हिसाब से चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं, और जिसकी वजह से रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और आम आदमी की मुश्किलात में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जी।